नक्षत्र मेला जो आप हर साल देख रहे हैं, पिछले 8 सालों से लगातार प्रगति मैदान में मनाया जाता है। आप नक्षत्र मेले के ऑर्गेनाइजर हैं और हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने हमारे पूरे प्रोग्राम को देखा और मैं कह सकती हूँ शायद सराहा भी। और मैं बंसल जी से अनुरोध करूँगी कि वो आए और दो शब्द कहें कि उनको कैसा लगा। मुझे उम्मीद है उनको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर दिस ऑनर। मैं तो बस एक यही समझ पा रहा हूँ कि दिलीप जी के इतने फैन हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उनमें कुछ खासियत होगी। और क्योंकि स्टूडेंट्स इतने फैन हैं, इतना एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो शायद मुझे भी इनके पास आके ज्योतिष ज़रूर सीखनी चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ज्योतिष का आप नाम बढ़ाएं और ज्योतिष में कुछ करके दिखाएं। धन्यवाद। आरंभ जितना अच्छा हो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा समापन होना चाहिए। तो मैं दिलीप सर से रिक्वेस्ट करूंगी वो आए। हमारे सभी अतिथियों का धन्यवाद। उससे पहले दो शब्द सुमेश जी बोलना चाहते हैं। सुमेश शर्मा जी, उनका ये कहना है कि जब यहाँ पर सब इतना अच्छा अच्छा बोले तो मैं क्यों ना बोलूँ, तो हम उन्हें ये मौका ज़रूर देंगे। प्लीज़ आइएगा। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुर तारानायक शेखरां स्मतिमुखीं मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलां बिभ्रतिं सौम्यारत्नघटस्य रक्तचरणां ध्यायेत् पराम्बिकां सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जग अतोऽहं विश्वरूपा त्वां नमामि परमेश्वरी। आदरणीय बंसल जी और इस संस्थान के चेयरमैन दिलीप जी, सपत्नीक दिलीप जी, दोनों जने करते हैं ना इस काम को, और शिक्षा क्षेत्र से आई हुई आदरणीय प्रिंसिपल महोदया डॉक्टर शवाना जी और चौहान साहब और शर्मा जी, दो तीन बातें आपसे ज़रूर करूँगा मैं, क्योंकि आप ज्योतिष सीख रहे हैं और एक ऐसी विद्या सीख रहे हैं जिसके माध्यम से आप लोगों के भविष्य का निर्णय करते हैं। जब आप किसी के भविष्य का निर्णय करते हैं तो उसमें दो चीज़ शामिल हो जाती हैं, या तो वो जाकर के समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा या वो समाज के लिए कुछ खराब करेगा। और युवावस्था के दो ही धर्म होते हैं, एक विवाह और एक व्यवसाय। आपके पास जो ज़्यादा समस्याएं आती होंगी वो व्यवसाय और विवाह। आजकल समाज में सबसे ज़्यादा यही बहुत बड़ी समस्याएं हैं। शिक्षा तो प्राप्त करके आ जाता है, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं वो सारे शिक्षा प्राप्त करके फिर ज्योतिष सीख रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने पहले डिग्रियां ले ली हैं उसके बाद में ज्योतिष सीख रहे हैं। एक सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार में जितना ज्ञान है, जितने ग्रंथ हैं, वो माता सरस्वती की देन है। और सरस्वती देवी को सृष्टि के मूल उत्पत्ति ग्रंथों में सृष्टि की मूल उत्पत्ति देवी माना गया है, जिसका मूल बीज है एं सरस्वती नमः। आप लोगों को जो डिग्रियां दी गई हैं वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बेस पर दी गई हैं। अब किसी का स्वास्थ्य बिगाड़ने का काम हो तब भी आप जिम्मेदार होंगे, और बनाने का काम हो तब भी आप जिम्मेदार होंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन इस समाज का स्वास्थ्य आपको बना करके रखना है,
इसके लिए आपको सही मायने में सरस्वती का ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। अगर सरस्वती का ज्ञान अर्जित नहीं हुआ तो फिर हम जो चाहेंगे व्यवसाय के लिए कर सकते हैं। दिलीप जी तो व्यवसाय नहीं करते हैं, कुंडली नहीं देखते हैं, व्यवसाय की दृष्टि से, पढ़ाने की दृष्टि से कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि समाज में जाकर के कुछ ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर देनी हैं जो सबके लिए कल्याणकारी हों। लेकिन उस कल्याणकारी चीज़ में सबसे ज़्यादा सर्वोपरि एक चीज़ है कि ये वेद से आई हुई विद्या है और वेद का सिद्धांत है ज्योतिषाम वेदानाम चक्षु। और वेद सबसे बड़ा वेद का अगर कोई धर्म है तो राष्ट्र धर्म है। इस बात का सब बात लोगों को ध्यान रखना है। हम देश जाति राष्ट्र का हमारा जो नाम है, जो हमें गुरु के रूप में जाना जाता है सारे विश्व में, वो वेद के कारण जाना जाता है। और आप वेद की एक विशिष्ट विद्या के जानकार बन रहे हैं, इस बात का ध्यान आपको बहुत रखना पड़ेगा। संसार में जो मैंने भी जिक्र किया, सारे संसार के मुस्लिम कुरान को पूछते हैं, वो भी ग्रंथ रूप में है, शास्त्र है। सारे संसार के क्रिश्चियन बाइबल को पूछते हैं, वो भी ग्रंथ रूप में है, मूल सरस्वती के रूप में है। सारे संसार के जितने धर्म हैं वो पुस्तक रूप में ही हमारे पास मार्गदर्शन का काम करते हैं। तो आप समाज के मार्गदर्शक बनने जा रहे हैं, इस बात पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हों द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हों अरिदल विनाशकारी, होवे दुधारु गोवे गज अश्वधेनुचारी, आधार राष्ट्र की हों साध्वी सती सुनारी, बलवान सम्मयोद्धा यशवान पुत्र होवे, इच्छानुसार बरसे पर्जन्यतापहारी, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेम कारी स्वाधीनता हमारी। आप स्वाधीन हो गए हैं, ये सबके लिए कल्याणकारी हो, इस बात का सदा ध्यान रखना है। एक सूत्र के साथ में अगर आप ज्योतिष में काम कर रहे हैं तो ज्योतिष के मूल अधिष्ठाता देवता जो है वो ब्रह्मा है। नारद संसार के प्रथम ज्योतिषी हैं, इस बात पर ध्यान रखना। और नारद के आराध्य देव नारायण हैं, इसलिए नारायण का ध्यान सारे लोग रखना, तो इस विद्या में विशिष्ट पारंगत हो जाओगे। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर शमाना नज़ीर जी को, जो कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत जागरूक हैं। और इनके लिए मैं एक ख़ास बात और बताना चाहूँगी कि आप एक बहुत अच्छी शायरा भी हैं, आपके पापा भी बहुत अच्छे शायर थे, और इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं उनको इन्वाइट करती हूँ कि वो आए और दो शब्द कहें। नवयक ज्योति शिक्षण संस्थान के सर्वे सर्वाश्री डॉक्टर दिलीप सिंह जी, यहाँ मौजूद बंसल जी और तमाम अतिथिगण, और सबसे ज़्यादा वो लोग जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की और जिन्हें आज डिग्री मिली, सर्टिफिकेट मिले, ट्रॉफीज़ मिली, खुद अपने आप में एक नॉलेज का स्रोत होना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अपनी नॉलेज को ट्रांसमिट करना, वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक एक सूरज अपना प्रकाश दूसरों को देता है। और मुझे यहाँ बैठे हुए ऐसे ही लग रहा था कि दिलीप सिंह जी एक वो सूरज हैं जिनका अपना प्रकाश तो अपने अंदर है ही, लेकिन उन्होंने कितना प्रकाश दिया, कितनी नॉलेज दी, कितना ज्ञान दिया सबको, और सबके दिलों तक पहुंच गए। इतने हाईली एजुकेटेड लोग, अभी जैसे दिलीप सिंह जी ने बताया कि बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए लोग अपना टाइम, जब सीईओ बन जाते हैं तो कहते हैं कि फैमिली के लिए भी टाइम नहीं, उन्होंने दिलीप सिंह जी के कोर्स के लिए टाइम निकाला। ये बहुत बड़ी एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी ही ऐसा कर सकती है जो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। एक चीज़ जो है वो ये कि हमारी भारतीय परंपरा, उस कल्चर को आपने संजोया हुआ है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो हमारे समाज में आज हम देखते हैं कि अशांति फैली हुई है, एक अशांति दूसरी अशांति को जन्म देती है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी व्यक्तित्व के जिसका ऐसा पॉजिटिव ऑरा हो,
उसके पास जितने लोग रहेंगे उन सब का ऑरा पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिविटी ही आगे बढ़ के पूरे समाज में एक शांति, एक पॉजिटिव ऑरे को जन्म देगी और मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हर भारतीय के लिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मैं सर को इनवाइट करूंगी, सर आएं और हमें हमारे सभी अतिथियों का धन्यवाद करें। अंत में मैं अपने सभी विद्यार्थियों का, मित्रों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस समारोह को एक बहुत अच्छे समारोह में तब्दील कर दिया। मैं विशेष बुक के समय मैं वहाँ था, बोल नहीं पाया। मुझे इस बुक को लिखने में तीन लोगों ने मेरी पत्नी के अलावा बहुत हेल्प करी। मेरी पत्नी के अलावा सबसे पहले ममता जी, इन्होंने प्रूफ रीडिंग करी, उसका रूप सज्जा करा, आंतरिक इंटीरियर सारा उन्होंने किया। नागेश जी ने मुझे बहुत हेल्प करी और डॉक्टर जग परवेश जी, इन्होंने बहुत हेल्प करी। इन तीनों की वजह से ही मैं बहुत तेज़ी से ये लिख पाया, नहीं तो मुझे अभी दो तीन महीने और लगने थे इस किताब को लिखने में। तो इन तीनों का मैं स्पेशल धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा मैं नवीन का स्पेशल, नवीन अरोड़ा का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने अंदर ही ज्योतिष कर रहा था। इन्होंने मुझे YouTube का आइडिया दिया और इन्होंने सारी रिकॉर्डिंग करी। YouTube से मुझे पूरे संसार में इन्होंने ही प्रसिद्ध करा। आज की डेट पे मेरे पास डेली हर रोज़ कम से कम 5 फ़ोन फ़ौरन से ज़रूर आते हैं कंसल्टेंसी के लिए। इवन वहाँ से लोग मेरे पास स्पेशली, कोई मैरिज में आया हुआ था बॉम्बे, उसने कहा मुझे आपसे मिलना है, वो सुबह फ्लाइट लेके दिन में मेरे से मिलकर और रात की फ्लाइट से वापस चला गया। ये सब यूट्यूब की वजह से हुआ, जिसकी वजह से मैं नवीन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूँ जो इतना अच्छा समारोह आपकी वजह से हुआ है। कि बुक मेरी जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं सबके लिए फ्री है, सब ले जा सकते हैं एक एक बुक। अभी हमारे पास 100 ही कापी हैं, कल से और आ जाएंगी, बहुत कापी आ जाएंगी, जिसको चाहिए वो ले जा सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर मैं आपका सबका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।